कि बार बार ये सवाल उठाया जाता था कि 22 जनवरी को राहुल जी कहाँ होंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख के सुबह करीब 7 बजे को राहुल जी बोरदोवा सत्र में होंगे, जो नागांव जिले में है। ये बोरदोवा सत्र एक बहुत पवित्र स्थान है असम का और हमारे देश का। ये जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव का, जो हमारे देश के लंबे इतिहास में एक महान, अत्यंत महान धर्मगुरु, समाज सुधारक और सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं। उनका जीवन 15वीं और 16वीं शताब्दी में था, पर उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को असम में, हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत है। और उनका जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उनके उपदेश थे, वो आज के समय में और भी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो राहुल जी वहां विनम्रता पूर्वक अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 22 तारीख को सुबह कालियाबोर में, जो गौरव गोगोई जी का लोकसभा क्षेत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, एक पब्लिक रैली होगा वहां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं, 26 और 27, 26 तारीख और 27 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम का 2 दिन है। ये 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। 25 के दोपहर को हम उत्तर बंगाल में प्रवेश करेंगे, अलीपुर द्वार में नाइट हॉल्ट होगा 25 तारीख को। 26 और 27 को विश्राम का दिन है, 2 दिन, और 28 को फिर से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर बंगाल में होगा, राहुल जी भी उसमें शामिल होंगे, पर 26 और 27 को राहुल जी दिल्ली में ही होंगे। 23 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम, उसके प्रकार हमें गुवाहाटी में रहना है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम जिस तरीके से हमने बनाया है उसी तरीके से चलाएं। असम के मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गुवाहाटी में हमारा कार्यक्रम ना हो। तरह तरह के बाधाएं हमारे सामने खड़े किए जा रहे हैं कल रात तक, और उसके बारे में भूपेन्द्र बोरा जी आपको जानकारी देंगे विस्तार से। हमने मुख्यमंत्री को 2 खत भी लिखे हैं, वो खत मैं आपको दिलवा दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में। हमारे जो विधायक दल के नेता हैं देवव्रत साइकिया जी, वो अभी अभी गुवाहाटी गए हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों से और मुख्यमंत्री के सलाहकारों से बातचीत अभी भी चल रही है 23 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। पर 23 तारीख को राहुल जी का गुवाहाटी में एक युवाओं के साथ एक मुलाकात होगी और एक पत्रकार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे गुवाहाटी में। वो कहाँ होगा मैं आपको आज शाम तक या कल सुबह तक आपको जानकारी भिजवा दूंगा, पर 23 तारीख को हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी में राहुल जी का एक इंटरेक्शन होगा,
युवा न्याय को लेकर, रोजगार बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर युवकों के साथ वो मुलाकात करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो ये रहा अगले दो तीन दिनों का कार्यक्रम। आज दोपहर को 3 बजे राहुल जी ईटानगर पहुंचेंगे। ईटानगर में एक पद यात्रा होगा और एक पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे राहुल जी।